कुमार, मैं महात्मा गांधी जी की तहे दिल से इज्जत करता हूं, वो संत थे, लेकिन वो सच बोलने वाले थे। और भगवती कृपा से अगर आज वो जीवित होते तो वो खुद बोलते कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसको आपने जिंदा गाड़ दिया, दफना दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपने गाड़ दिया। यू आर गिल्टी, आई एम गिल्टी, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने और जिसके सैनिकों ने हमें आजादी दी, आपने उनको जिंदा दफना दिया। 60,000 की इंडियन नेशनल आर्मी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने रेज करी थी, खड़ी करी थी। 3 डिविजन्स थी इसके अंदर, और इनमें से 60,000 में से 26,000, जरा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, 60,000 में से 26,000 शहादत और कुर्बानी उनको मिली, प्राप्त हुई। वो लड़ते लड़ते मरे ताकि आप और मैं आजाद हो। 26,000 की कुर्बानी, और आप कह रहे हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं, तुम मेरे पास आके गाओ। नहीं नहीं साहब, आपको हक क्या है? वो 26,000 जो हमारे परिवार, जो वहां जिनके घर में मातम मना है, आप उसको भुला सकते हैं कि हमने साहब लाठी खाई, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम क्या कहते हैं होम मिनिस्टर बनेंगे? अरे लाठी तो मेरी भैंस भी खाती है साहब, मेरे गांव में वहां लाठियां पड़ती हैं। अब उसको कल हम हर भैंस को यहां बिठाएंगे क्या? भैंसासुर बनाएंगे किसी को? देखिए साहब, ये दुख की बात ये है। बोले साहब बख्शी साहब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? आज की बात करो ना, वेयर यू आर गोइंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन वेयर यू केम फ्रॉम। आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत हद तक मुनस्सर है। हम कहाँ से आ रहे हैं साहब, किस मोड़ से हमने ये गांव का राह पकड़ी, ठीक है? और इसके लिए अपने अतीत को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अतीत में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा धोखा है। पहले हमें कहा जाता था साहब आप कहते हैं कि बोस ने आजादी दिलवाई, क्या प्रूफ है आपके पास? तो वो रंजन बोरा की जो हिस्टोरिकल जर्नल ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है जिसमें इसको साइट किया गया है, मजूमदार की एक किताब है।